हिशांस भाई साहब, जैसा कि हमने आपको लास्ट टाइम बोला था कि हम आपका इस पर डिटेल लेंगे, औरंगाबाद नेम चेंज का जो इशू है उस पर आर्ग्यूमेंट कंप्लीट हुए आपके, उसकी पूरी तफसील आप हमारे व्यूअर्स को किस तरह बताएंगे कि केस में आपको क्या लगा और आगे क्या हो सकता है? परसों 21 तारीख को हमारे जो सीनियर काउंसिल हैं अनिल अंतुलकर साहब और मेरे एडवोकेट एस एस काजी साहब, इनके जरिए हमारी तरफ से आर्गुमेंट हुआ, हमारी तरफ से सारी चीजें रिकॉर्ड पे लाई गई स्टेटमेंट के जरिए। अंतुलकर साहब ने अपने शुरुआती आर्गुमेंट में ही जज साहब से ये बात कही कि मैं उन बातों पर बहस करूंगा जो लीगल पहलू रखती है, मैं कोई पॉलिटिकल बात नहीं करूंगा, मैं कोई इमोशनल बात नहीं करूंगा, आपको मैं हिस्टोरिकल फैक्ट्स पे नहीं ले जाऊंगा, क्योंकि जज साहब ने पहले ही कह दिया था कि हमने बहुत हिस्ट्री सुन ली है, हमने बहुत सारी वेंडेटा पॉलिटिक्स के ऊपर जिस तरीके से सरकार हो रही है उस पर काफी आर्गुमेंट सुन लिया है, तो अब उन बातों पर बहस करें जो पिछले जो ओखला थे सीनियर काउंसिल थे उन्होंने उस पर बहस की, वो छोड़ के आप बात करें। तो अंतुलकर साहब ने यही कहा कि मैं तीन मुद्दों पे आपका ध्यान केंद्रित करना चाहूंगा। पहला तो उन्होंने ये बताया कि जो 95 में जो एक हाईकोर्ट का जो डिसीजन था यहाँ पे औरंगाबाद उसका डिवीजन बेंच का जस्टिस चपलगांवकर के जरिए, वो जजमेंट को उन्होंने कहा कि फिर से रिव्यू करने की जरूरत है, क्योंकि वो जजमेंट सही नहीं आया उनकी इंटरप्रिटेशन के हिसाब से, और हाईकोर्ट अगर चाहे तो उसको फिर से ऊपर की बेंच के पास भेज के, लार्जर बेंच के पास भेज के उसको सेटराइट कर सकता है, क्योंकि उन्होंने कहा कि जिस तरीके से फैक्ट्स आने चाहिए थे वो जजमेंट में नहीं आए। वो जजमेंट का हवाले से हम देखते हैं कि जो उत्तर प्रदेश में और दूसरी जगह दीगर जगह जो नाम बदले जा रहे हैं उस जजमेंट का हवाला दिया जा रहा है। तो सबसे पहले तो उन्होंने वहां पे अदालत का ध्यान खींचा कि ये जजमेंट में किस किस तरीके से बातें नहीं आई जो आनी चाहिए थी, और ये जजमेंट रिव्यू क्यों होना चाहिए, वो सारा उन्होंने अपने लीगल लैंग्वेज में जज साहब को बताया। दूसरा उन्होंने ये कहा कि मैं किसी मजहब के खिलाफ नहीं कहूंगा, मैं किसी पार्टी के खिलाफ नहीं कहूंगा, और मैं कोई पॉलिटिकल बात नहीं करूंगा, मैं सिर्फ और सिर्फ लीगल बात ही करूंगा इसके अंदर। तब उन्होंने बताया कि ये जो सारा केस चल रहा है इसमें ऐसे कई इररिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स लगा दिए गए हैं जो होने ही नहीं चाहिए और जिसके ऊपर आज इस अदालत में बहस चल रही है। जैसे उन्होंने कहा कि जो याचिकाकर्ता है उन्होंने भी इसमें गाइडलाइंस को बहुत ज्यादा स्ट्रेस किया है, हमारी सबकी याचिकाओं में, सारी याचिकाओं के अंदर गाइडलाइंस को बहुत ज्यादा स्ट्रेस किया हुआ है, सरकार भी ये बता रही है कि हमने गाइडलाइंस को फॉलो किया, याचिकाकर्ता सारे अपने उसमें ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि गाइडलाइंस फॉलो नहीं हुई। अंतुलकर साहब का आर्ग्यूमेंट ये रहा कि गाइडलाइंस को इतना ज्यादा महत्व हम कैसे दे सकते हैं जब कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कहीं भी शहर का नाम बदलने का कोई उल्लेख ही नहीं है, राज्यों के नाम बदले जा सकते हैं लिंग्विस्टिक रीजन पे, लेकिन शहरों का नाम बदलने का कोई प्रोविजन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कभी रखा ही नहीं गया बाबा साहब अंबेडकर के द्वारा। तो जब कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है तो एक ऐसी गाइडलाइंस ये लोगों ने डेवलप कर ली और अब उस बेसिस पे सरकार ये बता रही है कि हमने ये किया और इसमें ये है और उसको चेंज कर दे, जबकि वो कॉन्स्टिट्यूशन से बाहर है, यानी वो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से नहीं है, वो बाद में 1953 में जो एक लेटर इश्यू हुआ था, तो आप उसको कितना महत्व दे सकते हैं इस बात पर उन्होंने बहस की। उन्होंने ये बताया कि आर्टिकल जो 1, 4, 6 ये बाकी और सारे जो कॉन्स्टिट्यूशन के जो आर्टिकल्स हैं उसके हिसाब से उन्होंने लीगल टर्म्स में अदालत के सामने ये बात रखी कि ये चीज हो ही नहीं सकती। फिर उन्होंने एक और नई बात पहली बार जो निकल के आई इस बहस के अंदर कि स्टैट्यूट जो होता है तो वो उसके अंदर कोई भी चेंज नहीं कर सकती है लेजिस्लेचर, उसको अगर चेंज करना है तो इसके पावर सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट को है, और अगर स्टैट्यूट में कोई लफ्ज जुड़ जाए तो उसको कम नहीं किया जा सकता अपनी तरफ से, ये सुप्रीम कोर्ट के भी आदेश है। उन्होंने अपनी तरफ से ये बात अदालत के सामने रखी कि औरंगाबाद का जो नाम है ये कुछ चीजों की वजह से ये स्टैट्यूट में आ चुका है, जैसे रेंट कंट्रोल एक्ट है या आपके नेशनल लॉ स्कूल जो यहां पे जो खुले हैं और
और कुछ छठ उन्होंने टाटा सिल्वर से भी रिलेटेड कोई एक जजमेंट उसमें पेश किया और बाकी भी यूनिवर्सिटी का भी उन्होंने हवाला दिया कि ये सारा जब ये लफ्ज उसमें जुड़ गया तो ये स्टैट्यूट का पार्ट बन गया, एक स्टैट्यूट हो गया। अब इसको रिमूव करने के पावर सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट को है, तो ये जो यहाँ पे जो विधानसभा जो इसको चेंज कर रही है कि हमने विधानसभा के जरिए कर दिया, इसके जरिए कर दिया, तो ये चेंज नहीं किया जा सकता। तो उन्होंने जज साहब को ये भी कहा कि आप आज जो आपके सामने बहस चल रही है कि भाई ये गाइडलाइंस फॉलो करें, उन्होंने याचिकाकर्ताओं का कहना है कि इन्होंने गाइडलाइंस फॉलो नहीं की, और आप अगर इसी पर डिसीजन देंगे तो आपका डिसीजन भी गलत दिशा में जा सकता है उनके इंटरप्रिटेशन के हिसाब से। अच्छा, उनका ये कहना था कि आप बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन पे जाएं, बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ये चीजें हैं या नहीं इसके ऊपर ध्यान दें, और उसके बाद में गाइडलाइंस का विषय तो बाद में आएगा, पहले आप बेसिक में देख लीजिए कि ये किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता। ये एक नोटिफिकेशन निकाल देते हैं, नोटिफिकेशन निकाल के जी वो फलाने डिपार्टमेंट ने निकाल दिया, जी फलाने डिपार्टमेंट ने निकाल दिया, तो उन्होंने इसका एग्जाम्पल भी दिया कि आप सिर्फ पेपर पे पेपर जमा कर रहे हैं। अपनी बातों में उन्होंने ये भी किया कि कल आप हरियाणा के कोई मिनिस्ट्री का लेटर लेके आ जाएंगे, कल आप राजस्थान के कोई मिनिस्ट्री का लेटर लेके आ जाएंगे, और कहने फलाने वहां के भी मिनिस्टर ने कह दिया, यहाँ के मिनिस्टर, मतलब आप पेपर पे पेपर जमा करके लोगों की दिशा भूल कर रहे हैं। जो मुद्दा है कि शहर का नाम ये स्टैट्यूट में आ चुका है, इसको ये विधानसभा को पावर था नहीं था बदलने का, उन्होंने ये कहा कि आप नाम क्या रखते हैं इससे हमको कोई सरोकार नहीं है, वो सरकार है आप इसका छत्रपति संभाजी नगर रखें या कोई और नाम रखें, ये रखें, हम ये नहीं कह सकते ये क्यों रखा और ये क्यों नहीं रखा। सवाल ये है कि आप ये बदल सकते हैं या नहीं बदल सकते। अच्छा, मतलब आप ये रख रहे हैं, चेंज कर ही नहीं सकते तो उसको आप चेंज कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि ये नाम से कुछ ऑब्जेक्शन है या फिर वो नाम से कुछ। उन्होंने यही कहा कि भाई मैं जो आपसे बता रहा हूं कि ये नाम जो प्रोसीजर जो सारा जो अगर फॉलो करना था तो ये प्रोसीजर आपको फॉलो करने के पावर है नहीं है, राइट्स है नहीं है, आपने किया या नहीं किया, ये सब चीजें अदालत को देखनी है। उन्होंने कहा कि अगर आप इस किस्म की एक प्रथा सेट कर देंगे इस डिसीजन के जरिए कि ये इनको पावर्स है, तो आज ये सरकार है, एक ए पार्टी की सरकार है, उन्होंने औरंगाबाद का नाम छत्रपति संभाजी नगर किया, कल बी पार्टी की सरकार आएगी वो उसको, मैं उनके शब्दों में बता रहा हूं, वो उसको अंबेडकर नगर के नाम से कर देंगे, कल सी पार्टी की सरकार आएगी, बहस के जरिए उन्होंने ये कहा कि कल वो कोई अंतुरकर नगर कर देगा उसको, कल और उसके बाद कोई एफ पार्टी की सरकार आएगी, फिर उन्होंने सरकारी वकील की तरफ भी हाथ बताया और कहा कि कल इनका नाम रख देंगे, तो सरकारी वकील ने फौरन हाथ जोड़े कि मेरा नाम मत लेकर के आप इस तरीके से, तो थोड़ा सा लाइटर मूवमेंट भी उन्होंने क्रिएट किया। उनका कहना यह था कि अगर हम ये सेट कर देंगे ये नॉर्म्स तो ये तो फिर एक प्रोसीजर बन गया और हर सरकार कहेगी कि हमने ये प्रोसीजर से चेंज किया, तो ये चेंज हो सकता है नहीं हो सकता है ये अदालत को तय करना है। उन्होंने कई सुप्रीम कोर्ट्स के जजमेंट्स के हवाले दिए इसके अंदर, महाराष्ट्र के भी बाहर के भी, उसके अंदर की ये जजमेंट्स के हिसाब से भी सुप्रीम कोर्ट का या कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से ये पहले निकल के आता है तो ये नहीं हो सकता। तीसरी चीज उन्होंने सामने लाई कि सरकार ने यहां ऑब्जेक्शंस मंगवाए एमएलआरसी के जरिए, एक तरफ आप एक लेटर निकाल रहे हैं, एक नोटिफिकेशन निकाल रहे हैं कि हम इसका जो है ऑब्जेक्शंस मंगा रहे हैं, दूसरे उन्होंने सब डॉक्यूमेंट्स पेश किए कि आप जो है दूसरी तरफ, मतलब उनका कहना यह था कि आप राइट हैंड से ऑब्जेक्शंस मंगा रहे हैं और आप लेफ्ट हैंड से नोटिफिकेशंस निकाल रहे हैं, कि जब हमने ये डिसाइड कर लिया, जब उन्होंने कहा कि ये ड्रामा क्यों किया गया, खाली फॉर्मेलिटी, ये सिर्फ एक ड्रामा था जी। आप डिसाइड कर चुके थे कि हमको ये करना है, आपने वेट भी नहीं किया कि लोगों के ऑब्जेक्शंस आएंगे उसको डिसाइड करेंगे, आपने कोई ऑब्जेक्शंस का बिल्कुल भी उसको सीरियसली नहीं लिया, इधर से फॉर्मेलिटी के तहत आपने ऑब्जेक्शंस मंगाए लोगों से, और इधर आपका ये डिपार्टमेंट अर्बन डेवलपमेंट एक सर्कुलर निकाल रहा है, कॉर्पोरेशन की तरफ से एक सर्कुलर निकाल रहा है, कॉर्पोरेशन को ये पावर्स है क्या, ये इस किस्म से जो उन्होंने जो निकाले थे यहां से जो ठहराव पास किया था ये उनको पावर्स है क्या, बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन पे उन्होंने ले जाके सारी बातें रखी, तो कोर्ट के सामने उन्होंने सीधा सीधा कई लेटर्स के हवाले से पेश किया
उसमें थोड़ी उनकी और सरकारी जो वकील थे सराफ साहब जो अटॉर्नी जनरल है उनकी बात भी हुई। उन्होंने सबसे पहले सिटी का डेफिनेशन बताया एमएलआरसी के जरिए जिसमें विलेज भी आता है। ये किसने बताया? अंतुरकर साहब ने जी। उसके बाद सरकारी वकील ने कहा कि उसमें विलेज शब्द नहीं है, वो भी एक आर्ग्यूमेंट हुआ वहां पे। जब उन्होंने फिर बाद में अपनी बात क्लियरिफाई की कि सबसे पहले अपना आर्ग्यूमेंट शुरू होने से पहले मैंने सिटी का डेफिनेशन आपको बताया, उसके अंदर विलेज आता है। तो ये जो विलेज आता है तो एमएलआरसी के जरिए आपको ये करना चाहिए। अगर आपने करना था तो आपने कॉर्पोरेशन, क्योंकि कॉर्पोरेशन की बहस हो रही थी सारी, शहर की बहस हो रही थी जी। तो उन्होंने ये कहा कि आपने सिटी के हद तक कहां ऑब्जेक्शन बुलाए, सिटी के हद तक तो आपने ऑब्जेक्शन भी कॉल नहीं किया। नहीं हुआ जब सिटी के हद तक आपने ऑब्जेक्शन कॉल नहीं किया और एमएलआरसी के जरिए किया, तो उन्होंने फिर एक एक लफ्ज पढ़ के वो सारे सेक्शन सेक्शन से एक सेक्शन फोर जो है एमएलआरसी के अंदर वो उन्होंने पढ़ पढ़ के सुनाए, उसकी ग्रामेटिकल उन्होंने सारी बातें सामने रखी कि इसमें दो बार सच आता है तो ये सच का क्या मीनिंग है, ये सच का क्या इसका ग्रामेटिकल इंटरप्रिटेशन आता है। तो ये जो कानून है ये नए जो अगर कोई रेवेन्यू क्षेत्र बनता है ये उसको स्टैब्लिश करने के लिए है। एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर्स आप हटाने लग जाएंगे तो पूरा देश का ही फिर आप स्ट्रक्चर बदल के रख देंगे, सारा नाम बदल के रख देंगे। तो उन्होंने सारा ये कानूनी बातचीत पूरी रखी और उन्होंने मेरे ख्याल से कुछ सवा डेढ़ घंटे के अंदर अपनी बातचीत पूरी कंप्लीट की। बहुत लंबा भी उन्होंने उसको नहीं दे गए, उन्होंने कहा कि जो पिछले जो याचिका करता है उनके वकीलों ने काफी बातें हिस्टोरिकल फैक्ट्स और ये वो सारी रखी हैं, मैं क्योंकि कोर्ट को जवान दे चुका हूं कि मैं बातें रिपीट नहीं करूंगा जी, इसलिए मैं अपने सारे पहलू पेश कर रहा हूं। उन्होंने अपने अराउंड डेढ़ घंटे के अंदर अंदर अपना सारा जो भी आर्ग्यूमेंट था उसको उन्होंने महदूद किया और कोर्ट को फिर आखिर में उन्होंने ये भी बताया कि ये जो हाईकोर्ट के जो रजिस्ट्रार के द्वारा यहाँ एक सर्कुलर निकाला गया था वो उन्होंने कोर्ट को बताया कि ये आपके पास यहाँ केस चल रहा है और आपके नीचे सब जो ऑफिसर्स हैं जो आपके डिपार्टमेंट कोर्ट के हैं ये इस किस्म से निकाल रहे हैं। तो कोर्ट ने उसको काफी सीरियसली, दोनों जज साहब जो बैठे थे अपने हमारे चीफ जस्टिस और दूसरे जो उनके साथ जो जज साहब थे उन्होंने उसको काफी सीरियसली लिया, देखते हैं उसमें क्या कार्रवाई करते हैं। इन सब बहस में कोर्ट की तरफ से जज साहब की तरफ से कुछ रिप्लाई आया है ये सभी आर्गुमेंट को? सवाल वो पूछ रहे थे उनसे जी, लेकिन काफी मतलब पॉजिटिव मुझे उनकी बॉडी लैंग्वेज और उनके फेशियल एक्सप्रेशंस की, हम तो सामने बैठे थे जी। तो वो सवाल पूछ रहे थे कि ये कैसे हो सकता है, स्टैट्यूट के अंदर अगर आ जाए तो क्या बाकी भी बदले जा सकते हैं, ये इस किस्म से जज साहब की जो क्वेरीज थी उसका भी बखूबी अंतुरकर साहब ने उसका जवाब दिया और खाजी साहब भी उस वक्त उनके साथ मौजूद थे वहां पे कोर्ट हॉल में, सरकारी अटॉर्नी जनरल थे स्टेट की तरफ से, यूनियन की तरफ से काकड़े साहब हैं वो थे, तो ये सारे वकील वहां मौजूद थे और बाकी भी दूसरे दीगर वकील भी थे। ये अभी तक का जो प्रोसीजर हुआ है कंप्लीट आपके अग्रीमेंट होगी, इसके आगे की आपकी किस तरह की कार्रवाई रहेगी, आपकी नीति किस तरह रहेगी? औरंगाबाद की तरफ से जितने याचिकाकर्ता थे उन सब के जो सीनियर काउंसिल थे वकील थे वो अपना आर्ग्यूमेंट कंप्लीट कर चुके हैं। अंतुरकर साहब के आर्ग्यूमेंट के बाद जो दीगर याचिकाकर्ता थे उनके वकील ऑनलाइन मौजूद थे, एक वहां पे थे भी एक और वकील साहब वो बैठे हुए, तो उन सब ने अंतुरकर साहब का ही आर्ग्यूमेंट को अडॉप्ट कर रहे हैं वो, ऐसा कोर्ट के सामने कहा है। फिर भी अभी आज इस वक्त 23 तारीख को मुझे लगता है कि उस्मानाबाद का जो मैटर है उसके जो पिटिशनर्स हैं उनके वकील आज बहस करेंगे उस्मानाबाद की तरफ से। इन सब के बाद उनकी जो भी एक या दो सीनियर काउंसिल उस्मानाबाद की तरफ से भी हैं उनका होने के बाद औरंगाबाद और उस्मानाबाद के पिटिशनर्स को कोर्ट ने लिबर्टी दी है कि आप अपना जो रिप्लाई है वो रिटर्न में भी सबमिट कर सकते हैं। अच्छा, तो हम लोग जो भी चाहेंगे हम लोग भी कर रहे हैं और भी दीगर करेंगे, तो हम अपना रिटर्न आर्ग्यूमेंट जो है मतलब जो बातें हमने कही और अगर कुछ इसके अलावा भी हमको उसमें अगर कुछ कहना है तो वो रिटर्न में हम पूरा सबमिट कर देंगे। मतलब बाद में सबमिट कर सकते हैं? सबमिट इन द सेंस जब तक सरकारी वकील की बहस से पहले। अच्छा, अभी उस्मानाबाद की चलेगी आज, हो सकती हो सकता है एक दो तारीख उस्मानाबाद वाले भी दे दे, उसके बाद जो भी रहेगा फिर बीच में जो वक्फा रहेगा उसमें सबको रिटर्न आर्ग्यूमेंट करने की परमिशन है, औरंगाबाद वालों को भी उस्मानाबाद वालों को, जो जो भी अलग अलग वकील हैं जो जो चाहते हैं। ये रिटर्न आर्ग्यूमेंट्स देख के और जो ओरल आर्ग्यूमेंट्स हो चुके हैं सारे वो सबको पूरा क्लब करके सरकारी वकील अपना जवाब देंगे औरंगाबाद के लिए भी और उस्मानाबाद के लिए भी जी।
उसके बाद अगर लगता है कोर्ट को कि इसमें कोई मुद्दों पे बहस होनी चाहिए तो शायद फिर से एक ऑप्शन, एक मौका कोर्ट हम सबको दे, नहीं अगर वो खत्म हो जाता है किसी का उसमें कोई नहीं रहता है तो कोर्ट ये सारे आर्ग्यूमेंट्स को औरंगाबाद के वकीलों की तरफ से जो रहा, याचिकाकर्ताओं के सीनियर काउंसिल्स की तरफ से, उस्मानाबाद के और सरकारी वकील का जो कहना रहा, ये सारा जो आएगा सारा कोर्ट के सामने, उस पर फिर कोर्ट अपना फैसला सुनाएगा, रिजर्व कर देगा, रिजर्व फॉर ऑर्डर, और फिर वो भी 8 दिन 15 दिन महीना जितना कोर्ट को टाइम लगता है उसके बाद वो अपना फैसला सुनाएगा। अच्छा सर, इसमें मेरा आखिरी सवाल है आपसे कि अगर सपोज ये आपके अगेंस्ट में आता है कोर्ट का जजमेंट, बॉम्बे हाई कोर्ट का, तो इसके बाद हिशाम उस्मानी जो आप याचिका करता है, आपकी तैयारी है सुप्रीम कोर्ट जाने, आप जाएंगे अगर आपके अगेंस्ट में फैसला आता है? जरूर, हमने पहले ही अपने तरफ से ये बात जाहिर की है कि ये लड़ाई हम पूरी आखिर तक हम इसको लड़ेंगे। जहां तक उम्मीद है हमको कि जिस तरीके से आर्गुमेंट्स हुए हैं, जिस तरीके से कोर्ट के सामने बातें आई हैं, सरकार के पास आज सच कोई बहुत ज्यादा ठोस वो नहीं है, रीजंस नहीं है इसका शहर का नाम बदलने के लिए। तो मुझे लगता है कि जिस तरीके से और भी मामलों में अभी सरकार को मुखी खानी पड़ी है अदालती लड़ाइयों के अंदर, उस तरीके से ये एक ऐतिहासिक फैसला होगा और अदालत जो है इस मुल्क का जो आईन है उसके अंदर जो एक सेक्युलर हमारा ढांचा है उसको बरकरार रखते हुए ये शहर का नाम बरकरार रखेगी। अगर सरकार इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाती है तो हम उनके खिलाफ, उनके सामने वहां भी खड़े रहेंगे, और अगर हमको ऐसा लगता है कि हमको सुप्रीम कोर्ट जाने की जरूरत है तो हम सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं। आपको यकीन है कि नाम इलीगल तरीके से बदला गया, आप इसको आखिर तक लड़ेंगे किसी भी? अगर यकीन नहीं होता तो हम केस नहीं लड़ते किए होते उनके ऊपर। ये तो सीधी सीधी दिखती हुई बात है कि एक सीधा सा अच्छे से सारा मुआशरा चल रहा है, एक शहर के अंदर एक अच्छा निजाम चल रहा है, उसको खराब करने के लिए एक कम्युनल मोटिव से, दुर्गा साहब ने ये भी बात अपने उसमें की कि ये सब हम जानते हैं कि ये क्यों किया जा रहा है, एजेंडा क्या है, ये बात भी उन्होंने कही। उन्होंने किसी का कोई नाम कहीं नहीं लिया, उन्होंने कहा, और फिर लास्ट में उन्होंने ये बात भी कही कि एक कोई बहुत बड़े इंग्लिश स्कॉलर का उन्होंने एक कोट किया कि हम एक उस एक अंधे व्यक्ति का उन्होंने किस्सा सुनाया कि जब उससे किसी ने पूछा कि आप यहां क्यों खड़े, तो उसने उन्होंने यही कहा था कि मैं, ये न्याय का मंदिर है और मैं सिर्फ न्याय के लिए इस दरवाजे पर खड़ा हूं। उन्होंने ये कहा कि जितने याचिका करता है, उन्होंने कहीं कोई उपद्रव नहीं किया, जैसे आज आप देखते हैं लोगों को, उन्होंने कानून को अपने हाथ में नहीं लिया, उन्होंने कोई तोड़फोड़ नहीं की, वो सिर्फ आपके पास आए हैं न्याय की आस लेकर, और उम्मीद है कि आप न्याय करेंगे। अपने कंक्लूडिंग रिमार्क्स में उन्होंने कोर्ट से यही कहा कि हमको आपसे न्याय की उम्मीद है और इससे इस देश के लोकतंत्र को मजबूती मिलेगी। जो एक इस वक्त माहौल क्रिएट किया जा रहा है कि इस देश का जो बाबा साहेब अंबेडकर का बनाया हुआ आईन है उसको हमने कमजोर कर दिया, ये कर दिया, जो कुछ लोग, कुछ ताकतें ये कोशिश कर रही है, उससे मुझे लगता है कि ये डिसीजन जब इंशाल्लाह औरंगाबाद और उस्मानाबाद के लोगों के हक में आएगा तो इस देश के लोकतंत्र के अंदर लोगों का कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, जो कहीं ना कहीं आज आप देखते हैं। जस्टिस ओक के स्टेटमेंट देख लीजिए, आपके कई सीनियर वकीलों के स्टेटमेंट देख लीजिए, जिसमें ओपनली कह रहे हैं, चाहे सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तरफ से ये स्टेटमेंट आ रहा है कि लोगों का विश्वास कहीं ना कहीं जुडिशरी में कम हो रहा है। बहुत बड़ी बात है। तो ये मुझे लगता है कि इस फैसले के बाद लोगों का न्याय व्यवस्था पे विश्वास बढ़ेगा और ये इस मुल्क के लोकतंत्र के लिए बहुत जरूरी है। एक हेल्दी डेमोक्रेसी के लिए जुडिशरी का इंसाफ पे बिल्कुल कायम रहना ये बहुत जरूरी है। अगर न्याय यहां भी नहीं मिलेगा तब फिर लोगों लोग जो है वो कहीं ना कहीं वल्नरेबल हो जाएंगे, परेशान हो जाएंगे और कहीं ना कहीं जो एक अनरेस्ट पैदा होता है समाज में वो किसी भी लोकतंत्र के लिए, किसी भी मुआशरे के लिए, किसी मुल्क के लिए कभी अच्छा नहीं होता। तो हमको उम्मीद है कि हाईकोर्ट जो है वो लोगों की जो बात है, सेंटिमेंट है और जो सच है उसी पे न्याय करेगा। सत्ता के जो इस वक्त जो हुक्मरान जो बैठे हैं, जो हाकिम बैठे हैं, उनके दबाव में कोर्ट नहीं आएगा। थैंक यू सर। आप औरंगाबाद के नाम से मोहब्बत रखने वालों को क्या पैगाम देना चाहिए? औरंगाबाद के नाम से जो मोहब्बत रखते हैं उनको यही है कि ये पहली चीज ये समझ रहे हैं कि ये किसी एक मजहब या किसी एक मुशरे का मसला नहीं है, ये हमारी लोकल आइडेंटिटी का मसला है। ये हर मजहब के लोग जहां जो रहते हैं ये उनका शहर है,
यहाँ पे हर मजहब के लोगों ने अपनी जिंदगियां बिताई, उन्होंने दुनिया में अपना नाम किया और वो आगे बढ़े। उसी तरीके से उसी पहचान को लेके हमको आगे बढ़ना है। ये किसी एक मजहब वर्सेस दूसरे मजहब का मसला नहीं है जो सत्ताधारी पार्टियां बताती हैं। मैं ये भी चाहूंगा कि जब ये फैसला इंशाल्लाह आ जाए तो जो भी लोग औरंगाबाद से मोहब्बत करने वाले हैं, जो चाहते हैं कि इस शहर का नाम औरंगाबाद ही रहे, वो ऐसी कोई हरकत ना करे सोशल मीडिया पे या किसी सड़क पे कि जहां किसी जो कोई सत्ताधारी पक्ष के समझो कोई आइडियोलॉजी को अगर वो मानता है तो उसकी भी कहीं कोई भावना को ठेस पहुंचे या हम उसको चिढ़ाने का काम करें, ऐसा कुछ ना हो। ये शहर हमारा था 400 साल से, हमारे औरंगाबाद में रहने वाले हर व्यक्ति का ये, उसके परिवार का ये शहर है और आगे भी ये वही नाम से रहेगा। तो इसके ऊपर ऐसी कोई हरकत ना हो जिससे कहीं ना कहीं शहर का वातावरण खराब हो और बहुत ही डिग्निफाइड वे से, बहुत ही सोफिस्टिकेटेड वे से हमको ये फैसले को आने के बाद अपनी जिंदगी में आगे मूव करना है। ये नहीं कि आप कहीं कोई जो है तो कोई ढोल बजा रहा है या पटाखे फिट रहा है, वो तो ये जो जंगली जमात है जो ये काम करते हैं आजकल सब जगह देश में उपद्रव फैलाने वालों का, ये उनका काम है। हमको अपनी शालीनता दिखाते हुए अपनी जिंदगियों में फिर से वापस एज अ औरंगाबादी लौट जाना है और अपने शहर को आगे बढ़ाना है और उसके साथ साथ अपने मुल्क को आगे बढ़ाना है।